सत श्री अकाल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे ठंडाई प्रीमिक्स और उसी प्रीमिक्स से बनाएंगे कुल्फ़ी। तो ठंडाई तो अक्सर बड़े ही पीना पसंद करते हैं और कुल्फ़ी जो है बच्चों की फेवरेट होती है। तो एक ही वीडियो में एक ही चीज़ से हम दो चीज़ें बनाकर तैयार करेंगे। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। ठंडाई प्रीमिक्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता रही हूँ, और इनकी क्वांटिटी जो है वो जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगी ना साथ के साथ बताती जाऊँगी। तो ये मैंने ली है सौंफ, पिस्ता लिए हैं और खरबूजे के बीज लिए हैं, आप चार मगज भी ले सकते हो, और चिरौंजी ली है, बादाम लिए हैं, और ये ली है मैंने खसखास जिसको कि पोस का दाना भी कहते हैं, काली मिर्च साबुत ली है, और एक ये मैंने जायफल लिया जिसको नटमेग भी कहते हैं, हरी इलायची, और ये सूखे हुए गुलाब के पत्ते लिए हैं, और केसर थ्रेड भी इसमें यूज़ होंगे थोड़े से, वो भी मैंने लिए हैं। और इसको मीठा करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिश्री का, तो मिश्री जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये मैंने ली है धागे वाली मिश्री 250 ग्राम। तो सबसे पहले तो ये धागे वाली जो मिश्री ली है ना, इसको हम थोड़ा सा कूट लेंगे। ये देखिए इस तरह से मसाला कूटने वाली होती है ना, उसमें कूटना है जिससे कि इसमें जो धागा होता है ना वो निकल जाएगा और इसके पीस भी छोटे छोटे हो जाएंगे, फिर इसको मिक्सी में डालकर हम आसानी से पीस पाएंगे। ये देखिए मैंने इसके धागे निकाल दिए हैं। अब लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें हम डाल लेंगे सबसे पहले तो मिश्री को। वैसे आप चाहे तो मिश्री की जगह शुगर का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें डालेंगे हम हरी इलायची को। हरी इलायची के ये मैंने 13 पीस लिए हैं, टेबल स्पून से नापे तो 1 टेबल स्पून है। और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ खसखास, ये लिए मैंने 2 टेबल स्पून। ये जो खसखास है और हरी इलायची है इनको पीसने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इसलिए इसे मिश्री के साथ पीसना है जिससे कि आसानी से पीस जाएंगे। अब ये पीस गए हैं तो इनको आपने बिल्कुल फाइन पीसना है, जितना फाइन पीस सकते हो वैसा पीस कर इसको एक साइड में भी रख देते हैं। और इसी जार में अब डाल लेंगे हम बाकी की चीज़ें। तो सौंफ ली है 2 टेबल स्पून, बादाम लिए हैं 2 टेबल स्पून, पिस्ता लिए हैं 2 टेबल स्पून, चिरौंजी भी 2 टेबल स्पून ली है, चिरौंजी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें, मगज लिए हैं 2 टेबल स्पून, और ये लिए है काली मिर्च साबुत 1 टीस्पून, चाय की चम्मच 1। ये इससे क्या होता है कि जो हम ठंडाई बना रहे हैं उसमें हल्का सा जो तीखापन आता है ना तो वो काली मिर्च से आता है, तो इसको डालना आपके ऊपर है कि आप इसे थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 टेबल स्पून के करीब ही मैंने गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ियाँ ली हैं। केसर थ्रेड डाल देंगे 12-15 धागों के करीब, और इसको बिल्कुल बारीक पीस कर हमने लेना है। ये देखिए मैंने इनको पीस लिया है, पाउडर सा बन गया है। अब लेंगे एक स्ट्रेनर और इसमें हम सारी चीज़ों को छान लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे। चाहे हमने बारीक पीस लिए हैं पर फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है ना, जैसे ये देखिए मैं शुगर को कर रही हूँ स्ट्रेन, इसमें हमने हरी इलायची भी साथ में पीसी है तो उसके हो सकता है थोड़े बहुत छिलके वगैरह रह गए हों, तो ये देखिए थोड़े से रह गए ना, तो इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, इन सबको एक बार फिर से हम पीस लेंगे। देखें ये सारे थोड़ा थोड़ा करके बच गए हैं ना, तो इनको पीस लेंगे एक बार और इसी में ही छान लेंगे। देखिए सारा मैंने फिर से पीस कर इसमें छान लिया है, तो अब ये पाउडर बन गया है, तैयार हो गया है। तो इसको चाहे तो स्पून से ऐसे ही मिक्स कर लें, या फिर और भी अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे मिक्सी के जार में सारी चीज़ों को इकट्ठा डाल दें और हल्का सा चला लें जिससे कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। तो ये हमारा ठंडाई का प्रीमिक्स बनकर अभी तो तैयार हो गया है। अब इसमें बस हमने एक चीज़ और डालनी है, ये देखिए ये जो नटमैग है ना ये पूरा नहीं डलेगा, इसको हम क्या करेंगे ग्रेटर की सबसे छोटी वाली जो साइड होती ना इससे थोड़ा सा ग्रेट करके डाल देंगे। देखिए ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना सा ही मैंने डाला है। अब ये प्रीमिक्स तो हो गया है तैयार, इसको आप एयरटाइट बॉक्स में डालकर स्टोर कर सकते हो। अगर ऐसे ही स्टोर करोगे तब भी इसकी लाइफ अच्छी लंबी है, अगर फ्रिज में स्टोर करते हो तब तो इसकी लाइफ काफ़ी लंबी हो जाती है। तो फिर इसको आप बना लेते हैं, इसको बनाना भी बता रही हूँ आपको। एक बाउल में मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर लिया है प्रीमिक्स, क्योंकि ये मैं 1 बड़ा गिलास बना रही हूँ। तो इसमें आप डालना 3/4 गिलास मिल्क, मिल्क का आप ठंडा या रूम टेम्परेचर का ले लेना। इसको मिक्स करके ना इसे ऐसे ही 10-15 मिनट के लिए भी छोड़ना होगा,
जिससे कि इसमें जो हमने काली मिर्च, सौंफ वगैरह और सब चीज़ें डाली है ना, वो थोड़ी फूल जाएंगी और उससे ना उनका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब ये तैयार हो गया, इसमें डालें थोड़ी सी आइस क्यूब, चाहे तो इसे आप ऐसे ही सर्व करें। अगर आपको लग रहा है कि ये जो पाउडर है बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हुआ है पीसने में, तो फिर आप इसको हल्का सा मिक्सी में चलाकर भी सर्व कर सकते हो। ठंडाई को मैंने ऊपर से कर लिया है गार्निश थोड़े से पिस्ता और केसर थ्रेड से। तो अब ये तो तैयार हो गई है, अब इसी प्रीमिक्स से मैं आपको कुल्फ़ी बनाना भी बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं कुल्फ़ी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसको बनाना अब बहुत ही आसान है, प्रीमिक्स बना ही हुआ है, तो आपने क्या करना है, लेना है 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क। अब इसमें बॉईल आ गया है तो इसमें डाल देंगे हम प्रीमिक्स। तो 1 कप मैं डाल रही हूँ प्रीमिक्स, इसको डालते जाना और मिक्स करते जाना है जिससे कि लम्स वगैरह ना बन जाए। अब इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना। अगर आप चाहते हो कि ये कुल्फ़ी का कलर हल्का सा येलो आए, तो आप इसमें थोड़ा सा खाने वाला कलर डाल सकते हो, 1 से 2 चुटकी के करीब डाल लेना, पर मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ। अब इसको लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर पकाएंगे जिससे थोड़ा सा थिक हो जाए, 3-4 मिनट लगेंगे बस। अब ये देखें हो गया है थिक, तो जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब इसको हम कुल्फ़ी मोल्ड वगैरह में डाल लेंगे। ये देखिए मैंने लिए ये कुल्फ़ी मोल्ड है मेरे पास, और साथ में इस तरह के अगर आपके पास कप वगैरह होते हैं ना कागज़ के, ये हैं तो इसमें भी जमा सकते हो। इनको फिल कर लेंगे और इसके ऊपर लगा रही हूँ फॉइल पेपर। 1 घंटा इनको मैं फ्रीजर में रख कर उसके बाद इसके अंदर मैं आइसक्रीम स्टिक लगा दूँगी। कुल्फ़ी को मैंने रखा था फ्रीजर में, 5-6 घंटे लगे हैं इसे जमने में, तो अब इनको करते हैं डीमोल्ड। तो सबसे पहले तो इसका फॉइल पेपर हटा देंगे, और ये मैंने एक ग्लास में सादा पानी रखा हुआ है, इसमें हल्का सा इसको डिप करना है। और अब इसको हाथ में इस तरह से देखिए रब करेंगे, दोनों हाथ से रब करेंगे ना, जिससे कि हाथ की गर्माहट से ये आराम से निकल आएगी। तो ये देखिए निकल गई है कुल्फ़ी, कितनी अच्छी कुल्फ़ी जमी है ये। तो इसी तरह से हम ग्लास वाली भी निकाल लेंगे, इसको निकालना तो और भी आसान है। इसको हम सीजर से हल्का सा ग्लास को कट करेंगे और ये देखिए इस तरह से निकाल देंगे, बहुत अच्छी तरह ये निकल जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई हैं। अब इन कुल्फियों के ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता डाल देंगे, और इसको ये देखिए अब मैंने किया है सर्व रोज़ पेटल के ऊपर। ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है, खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई हैं। तो देखा आपने, ठंडाई का प्रीमिक्स भी बन गया, ठंडाई बन गई और कुल्फ़ी बन गई, और सबसे बड़ी बात इसे हमने खुद अपने हाथों से साफ तरीके से और अच्छी क्वालिटी के सामान का यूज़ करके बनाया, तो हमें पता है कि ये कितना हेल्दी बना है। बाहर की चीज़ों का हमें कुछ पता नहीं होता उसमें क्या यूज़ हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप इसे घर पर बनाएं और अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर आपको ये रेसिपी आई है पसंद, तो आप इसे लाइक और शेयर कर देना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।